झारखंड की राजधानी रांची के बड़े जमीन कारोबारी कमल भूषण पर गोली चली है। सोमवार दिन के करीब 12:30 बजे उपहार सिनेमा हॉल के पास अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना में कमल भूषण की मौत हो गई। कमल भूषण पर फायरिंग होने की घटना के बाद शहर में जगह जगह पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए छानबीन शुरू कर दी है। इस घटना में जमीन कारोबारी डब्लू कुजूर का हाथ बताया जा रहा है। मामले में आदिवासी जमीन कारोबारी डब्लू कुजूर और कमल भूषण दोनों रिश्तेदार हैं। कमल भूषण की बेटी कामिनी का विवाह डब्लू कुजूर के बेटे से हुआ था। विवाह के बाद से ही डब्लू कुजूर की नजरें कमल भूषण की प्रॉपर्टी पर थी। रात रोड में गैलेक्सी मॉल के पास जहाँ पीओ पे हम सब लोग खड़े हैं, यहाँ पे एक घंटा पहले लोगों ने रांची शहर के एक जमीन कारोबारी कमल भूषण जी पे जानलेवा हमला किया गया है और उनके बाद शिफ्ट किया गया। बट अनफॉर्चुनेटली जो पता चल पा रहा है कि ही इज नो मोर। इस संदर्भ में ऑलरेडी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग आए हैं और पीओ का हम लोगों ने काफ़ी बारीकी से अध्ययन किया है, बहुत सारे फुटेज देखे हैं। और जैसा कि आप सब ज्ञात होगा कि कुछ पालने के परंपरागत इशू थे उसको भी हम नज़र रख रहे हैं। कुछ फैमिली रिलेटेड इशू हो सकते हैं, कुछ लैंड, जैसे आप सब जानते हैं कि ये लैंड कारोबारी भी थे, लैंड रिलेटेड इशू भी हो सकते हैं। जो कुछ भी इशू हैं पुलिस ने सभी चीज़ों को गंभीरता से लिया है और इस संदर्भ में जो है ऑलरेडी एसपी सिटी साहब के नेतृत्व में एक ऐसा टीम फ्रेम करने जा रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे बहुत जल्दी इस मामले का खुलासा हो जाए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।